अब आपको जो इसमें जो फाइल आपने वो जो आपने कन्वर्ट करी थी एआई में इलस्ट्रेटर के अंदर, फाइल में जाओगे यहाँ पर आपको इंपोर्ट में जाओगे, इंपोर्ट में इंपोर्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ऑल फॉर्मेट की जगह यहाँ पर एआई लिखा रहा, अडोब इलस्ट्रेटर होता है, एआई का मतलब अडोब इलस्ट्रेटर। डेस्कटॉप पे जाकर के जो फाइल है उसको ओपन करो, मर्ज विद करंट ऑब्जेक्ट आता है, वह मर्ज विद करंट ऑब्जेक्ट, ओके कर दोगे, सिंगल ऑब्जेक्ट में लाना है इसको, तो ये आपकी फाइल इसके अंदर आ जाएगी किस तरीके। अब आप टॉप व्यू में जाओगे और कहाँ पर वो फाइल इंपोर्ट हुई, यहाँ पर ये रही, यहाँ पे वन प्रेस करोगे, वर्टेक्स मेरे सिलेक्टेड है, या नीचे चलोगे आप यहाँ पे वर्टेक्स सिलेक्टेड है कंट्रोल ए कर दोगे, ऑल सिलेक्ट वर्टेक्स, या आपको इसमें करना है नीचे चलोगे यहाँ पे फ्यूज करना, ना कि वेल्ड करना, ओनली फ्यूज करोगे। देखो अभी मैं यहाँ पे वर्टेक्स कितने आए, देखो यहाँ पे काउंट करना कितने आ रहे हैं, इतने वर्टेक्स यहाँ पे आ रहे हैं, अब मैं यहाँ पे फ्यूज कर दूंगा, फ्यूज से क्या हो गया पूरा एक ही हो गया वर्टेक्स, पूरा एक साथ मिल गया, गाली ये रही, फ्यूज से तो पूरा एक हो जाएगा, ना कि हमको वेल्ड से क्या होगा, वेल्ड से वर्टेक्स को सिर्फ ज्वाइन करता, अब कितने वर्टेक्स यहाँ आएंगे देखो 137 वर्टेक्स है, मतलब इसने वर्टेक्स कम कर दिए, जितने ज्यादा वर्टेक्स होंगे उतना ये फाइल को हेवी करेगा, फ्यूज नहीं करना है वेल्ड ही करना है ओनली फ्यूज, तो मैंने देखो ट्राई करा था, फ्यूज से क्या होता है, फ्यूज से मतलब एक वर्टेक्स हो जाए पूरा, मर्ज कर देगा वर्टेक्स जितने भी होते हैं। अब इसके ऊपर मॉडिफाइड लगेगा आपका H2, तो फाइल की क्वालिटी सही नहीं थी तो इस तरीके से आ रही है, अच्छी क्वालिटी होगी तो ये अच्छा H2 होगा, हम सीधा इसको एक्सपोर्ट वगैरह करके यूज कर सकते जितना आपको अमाउंट देना है, ये फाइल की जो रिजुलेशन जो था ना वो बहुत लोअर था, तो इस कारण से ये ऐसी फाइल आई, इसमें ये फाइल सही नहीं होगी मैक्स में, क्योंकि ये फोटो से हमने इंपोर्ट करा तो हाई रिजुलेशन की फाइल ही लानी होती है, ये आपको व्हाट्सएप में सर बता देंगे सुशील से पूछ ले, लेकिन वो बता देंगे कैसे इस फाइल को सही करना, इसको वो वापस रिजोल्यूशन बढ़ाएंगे, वहां पे परसों में बढ़ता है वहां से करनी होती है, एक वेबसाइट है अभी मेरे को पता नहीं उससे भी हम कन्वर्ट करते थे एआई में इलस्ट्रेटर के अंदर, ठीक है ना, नहीं तो हम इसमें इमेज भी लगा सकते हैं, अगर आपको ये नहीं करना है तो इमेज भी लगा सकते, तो एक बार आप फोटोशॉप की क्लास से भी ले लेना, ले अल्टरनेट लगा देना, एक दिन मेरी मैथ्स की क्लास एक दिन फोटोशॉप की क्लास करवा देना, बात कर लेना आप आ जाते टाइम, साल पे है ना गैलेक्सी के, तो समझ लो तो इतना ही दुकान पे सॉरी यहाँ पर मैं डाउनलोड में जाता हूँ, अगर वो विंडोज वगैरह डाउनलोड हो रही हो तो मैं इसका यूज यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे ऑल फॉर्मेट लेना पड़ेगा आपको, ऑल फॉर्मेट में सब मिलेगा, विंडो फॉर वीरे वाली अपन करता हूँ, बट जो मैथ्स की फाइल होगी वो इम्पोर्ट में नहीं आएगी, वो मर्ज के अंदर आएगी, ये ध्यान रखें, जैसे ये वाली विंडोज में इसमें ओपन करा एड, यहाँ पे ओके कर दिया, वो फाइल यहाँ पर आगे डब्ल्यू प्रेस करो, इसको इधर मूव करो, अब करके स्नैप ऑन स्नैप के लिए आप एस प्रेस कर सकते हो, यहां से स्नैप उठाया मैंने इसको और इसको आप यहां लगा रहे, इसके बाद फ्रंट व्यू में जाकर के आप इसके ऊपर एक मॉडिफायर यूज करोगे, उसका नाम है FFD, मॉडिफाई लिस्ट में FFD 2x2x2 वाला लगाना है, फिर आपको ये बंद कर देना है, यहाँ पर आपको स्नैप और यहाँ पर इस एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आएगा कंट्रोल पॉइंट, यहाँ पर इन वर्टेक्स को सिलेक्ट करो और उसके इधर में लगता है,
टॉप में जाकर के हम सही कर सकते हैं ना, जितना आपको चाहिए उतना इसमें यहाँ पे रख लो। ये वाला है तो उसको कम कर सकते हो, इधर से ऑलरेडी सही सेट हो रहा है, यहाँ से सही करना आपको। परस्पेक्टिव व्यू में जाइए, ये आपकी विंडो लग गई। इसमें एक ग्लास का मेटल ग्लास लगा हुआ है इसके अंदर, है ना, तो इसका अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा था ना इसके अंदर, ये ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ पूरा, खुद एक ग्रुप है ये, तो यहाँ से आप इसको पहले अनग्रुप भी कर सकते हैं, बाद में इसमें चेंज कर सकते हैं। अनग्रुप करोगे तो इस फ्रेम को करना आपको सही, तो फ्रेम के ऊपर मॉडिफायर लगाओगे FFD वाला, ठीक है ना, ये नीचे वाला हटा सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए तो, ये अलग से नहीं, इसमें निकला हुआ पार्ट है ना, यहाँ से FFD हटा दो, एक बार आप डिलीट कर दो ये वाला ऑब्जेक्ट, मेरे को डिलीट करना, डिलीट कर दो, सिर्फ ये फ्रेम फ्रेम चाहिए तो ये वाले इसके ऊपर आपको FFD लगाना। बंद करो इसको, फिर आप इसको पीछे मूव कर दो, तो इसमें ग्लास जो था ना वो भी साथ साथ आ रहा है, तो आप पूरे को उठाओगे प्लेटफॉर्म इधर से कर रहा हूं तो नहीं हो रहा, तो आपको इस साइड से भी कर सकते सिलेक्शन, और जो आपको सिलेक्ट हो रहा है सिर्फ अनसेलेक्ट कर सकते हो, अनसेलेक्ट वापस करने के लिए, एक एक को तो कर ही सकते हो आपको जरूरत के अकॉर्डिंग, कंट्रोल दबा कर रखना, वन बाई वन हो जाएगा, पीछे इसको मूव कर दो। और यहाँ पर गैप लग रहा है तो आपको वही सेम कंट्रोल वर्ड पॉइंट से जाकर इसको एडजस्ट कर दो, बंद कर दो इसको, यहाँ पे क्लिक करो। अब तो इसमें आपको ये वाला भी करना है, तो फ्रंट व्यू में जाकर ये करना पड़ेगा आपको, ओके। फिर आपको इसी की एक कॉपी यहाँ लाके लगानी है, तो सेलेक्ट कर लो इसको पूरे कोई, बाकी नहीं इसको आप हाइड कर दो, राइट क्लिक करके हाइड सेलेक्शन, इस वाला ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो और शिफ्ट हेल्प की कॉपी कर लो नीचे, कॉपी रखनी है बस, राइट क्लिक अनहाइड ऑल। अब यहाँ पे आपको जितना इसको करना है वो अभी एकदम एक्यूरेट आई एक्यूरेट लगा दो, नहीं तो आप इसको एडजस्टमेंट करना। ओके इसके ऊपर वापस आप इसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जैसे आपको चाहिए, जो आपको ऑब्जेक्ट नहीं दे उसको आप हाइड कर दो, राइट क्लिक हाइड सिलेक्शन, इसको सेलेक्ट करा मैंने, टॉप व्यू में गए और आपको यहाँ सेम वही प्रोसेस कंट्रोल पॉइंट वाली, फ्रंट व्यू में जाकर भी आपको यहाँ पे तो सही करने हैं तो वो सही कर सकते हो, मेरे पर्सपेक्टिव व्यू में देखो सही लग रहे हैं, सही छोड़ दो वापस बंद हो जाएगा, राइट क्लिक अनहाइड ऑल इस तरीके से लगा हुआ होता ना ये, अरे वो हिंज होते हैं ना हिंजे, चारों तो एक साइड में इधर से खुलेंगे इधर होगी, इधर से इतने मिल रहा तरफ सेम लाइन ऊपर थोड़ी यहाँ पर रहे हैं, ये रहे दिख नहीं रहे, ये गलत गलत कहाँ लगा है यहाँ पर, कहो इसको अंदर डालना, और भी इसको इधर भी लगे हुए होंगे, ठीक है ये स्लाइडिंग वाली है,
हाँ रुको रुको रुको, अभी दिख नहीं रहा ना, जितना बना वही यूज कर रहा हूँ भाई। ये खुलने वाली है, इसमें स्लाइड वाली नहीं है, अभी इधर नहीं है, इसमें इसमें इधर है ही नहीं, तो क्या करूँ, एक साइड ही दे रहे इसमें। दूसरी कर लेना डाउनलोड, जरूर नहीं ये कि ये यूज करना आपको। हाँ हाँ मेरे को ये वाला पार्ट भी इसका कवर करना है, तो इसको भी एडिट पॉली से कर रखा था, यहाँ से मैं इसको ये लेता हूँ, यहाँ से स्नैप ऑन किया, राइट क्लिक करा, ऑप्शन में गया, ऑप्शन में अनेबल टू एक्सिस कंस्ट्रेंट वाला ऑप्शन ऑन करी, शिफ्ट दबा के रखोगे और इसको इस तरीके से ट्रैक कर सकते हो। अभी ऐसे चल रहा है, मेरे को वाई एक्सिस में लेके आना है इसको, है ना, सिर्फ वाई एक्सिस यहाँ पे क्लिक करूंगा, जितना इसकी वैल्यू उसके इतना ही एक्सट्रूड होगा, ज्यादा नहीं होगा। बंद कर दो, ये होने के बाद ये तो मारा हो गया ऑल ऑन। अब इसमें छत लगाओ तो भी लगा देना, बस दिखेगी नहीं यार में। मेरे को यहाँ पर एक विंडो लगानी है, मतलब एक वेंटिलेशन लगाना है इसका, तो मैं यहाँ पर एक प्लान बना, सॉरी बॉक्स लेता हूँ, वो लूंगा मैं ऑटो स्नैप से, ऑटो ग्रिड वाला है ना, इससे आपको इस प्लान पर बनाना है। मैं मोडिफाई में जाता हूँ, इसकी हाइट मैंने रखी 9 इंच, विड्थ मैंने रख ली इसमें 6 फीट, और ये मैं रख दूंगा 2 फीट। टॉप व्यू में जाएंगे, इसको और इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन, और आइसोलेट कर दूंगा ऑल्ट क्यू से, टॉप में जाता हूँ, जेड प्रेस करता हूँ एक्सटेंड स्क्रीन के लिए, अब इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूंगा ऑनली ऑन, एक बार इसको पूरा इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्नैप से लेके आ सकते हो, यहाँ पर क्लिक करो इसको, और यहाँ से यहाँ लेके आ गए। अब मैं इसकी वेट बढ़ा दूंगा, वैसे भी इसको मेरे को इसके अंदर सब्ट्रैक्ट करना, स्नैप बंद कर दो, वेट आप बढ़ा सकते दोनों साइड जितनी आपको देखो, जरूरी नहीं है कि फिक्स होती है। प्रस्पेक्टिव व्यू में जाकर के इस ऑब्जेक्ट को बनाना है, यहाँ पर आप जाओगे कंपाउंड ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑप्शन मिलेगा कंपाउंड ऑब्जेक्ट वाला, कंपाउंड ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको प्रोबियन, यहाँ पर आपको पूछेगा स्टार्ट पिकिंग, मतलब आप स्टार्ट पिकिंग में क्लिक करके इस शेप को सिलेक्ट करना है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो, ठीक है, वापस बंद कर दो इसको, राइट क्लिक करो, अनहाइड ऑल कर सकते हो, इस तरीके से आ जाएगा। और मेरे इस टॉप में इस तरीके से कुछ दिख रहा है, तो यहाँ पर आप इसके ऑडिट एडिट पॉली ऑलरेडी हो रखा है, नहीं तो आप वापस इसको एडिट पॉली करना पड़ेगा, क्योंकि इसने मैंने प्रॉपरली ऑब्जेक्ट बना दिया था, तो एडिट पॉली करना, एडिट मैच में रहा, बॉर्डर लोगे, इसका टॉप सेलेक्ट करोगे और यहाँ से इसको कैप लगाओगे, तो सही दिखेगा कैप लगा करके। अब इस वाले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके यहाँ पर इसकी फ्रेम भी क्रिएट करनी पड़ेगी, तो वो भी कर सकते हैं। ऑल्ट क्यू, यहां से मैं पॉलीगॉन लेता हूँ, ये वाला पॉलीगॉन लेना पड़ेगा, बट यहाँ पर आप मेरे पॉलीगॉन डबल आ रहे हैं, देखो ये पूरा इसमें मैंने विंडो से मैंने गैप नहीं रखा, तो आप ये रखना पर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये लेकर ऑल्ट प्लस वन करता हूँ, और यहाँ पे मैं शिफ्ट लॉक भी लगा सकता हूँ, पॉलीगॉन मेरा ये ऑलरेडी यहाँ पर है, बट ये अभी यूज नहीं हो पा रहा, तो मैं शिफ्ट लॉक से भी कर सकता हूँ, अगर ये भी काम नहीं आए तो आप शिफ्ट लूप को बंद करो, यहाँ से ये रखा हुआ है इसके ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ का था क्विक स्लाइस,
ये आप इस वर्टेक्स के लेके करोगे, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे क्लिक करना होगा, फिर आपको इस पॉइंट पे क्लिक करना होगा, ये क्यूब स्लाइस हो जाएगी। वापस इसको बंद करो, यहाँ से पॉलीगॉन लो, ये सिलेक्ट करो, अब इस पॉलीगॉन को आपको एक्सट्रूड करना है, दो फिट नहीं तो 18 इंच कर दो, अब बस पॉलीगॉन से बाहर आ जाइए। अब आपको स्नैप सेगमेंट बंद कर देने हैं, और ये जो व्यू आ रहा है आपका, इस व्यू में जाना है, फ्रंट व्यू में आप प्रेस करोगे और जेड प्रेस करोगे, यहाँ से आपको प्लेन ही लेना है नॉर्मल। स्नैप बंद, ये ऑटो ग्रेड बंद कर सकते हो, स्नैप ऑन कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक रखना है, इस प्लेन को ऑल्ट क्यू से आइसोलेट कर देना है, और इसमें सेगमेंट मेरे को अभी ज्यादा नहीं चाहिए, 3 3 सेगमेंट ही चाहिए। अब इसको मैं राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू एडिटल पॉली करूं, यहां से मैं वर्टेक्स लेता हूं, स्नैप बंद कर देता हूं, ये वाले वर्टेक्स और ये वाले वर्टेक्स दोनों साथ सेलेक्ट करता हूं, मैं यहां से स्केल लूंगा दोनों को साथ में, मैं इसको स्केल कर सकता हूँ, वर्टेक्स को जितना इधर है इतना इधर कर सकता हूँ, ये रखें। इसी तरह आप ये वाले ले सकते हो, कंट्रोल दबाकर ये वाला भी ले सकते हो, और इसको वाई एक्सिस में आप उसके इस तरीके से कर दिया। फिर आप एज लेंगे, यहाँ से कंट्रोल प्लस ए करेंगे ऑल सेलेक्ट के लिए ना, फिर यहाँ आप नीचे चलोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट सेव फ्रॉम सिलेक्शन, यहाँ पे लाइनर रखना है, स्मूथ रखोगे तो इस तरीके से हो जाता है, तो स्मूथ नहीं रखना है आपको, ये लाइनर वाला ही रखना है, और ओके कर दो, ये अलग एक स्टेप बना दिया। अब आप प्रेस्पेक्टिव व्यू में जाइए, और यहाँ पर आपको आप जो कमांड इस पर यूज कर रखी है ना, ये बंद कर दो, और यहाँ पर तो एक तो लाइन आएगी और एक प्लेन आएगा, लाइन लेनी है आपको, इस लाइन की आपको यहाँ से रेंडरिंग ऑन करनी है। अब यहाँ से आपको रेडियल नहीं रख के रेक्टेंगुलर रखना है, यहाँ से आपको थिकनेस वगैरह कम करनी है, जितनी आपको चाहिए उतनी डाल दो, अगर आपको एक सिंगल चाहिए तो सिंगल रख सकते हो, डबल चाहिए तो डबल रख सकते हो रूम में। इस प्लेन को टॉप में जा करके आपको इसको किधर रखना है, पीछे या आगे जो रखना है वहां पर रख सकते हो, राइट क्लिक अनहाइड ऑल पर्सपेक्टिव व्यू, तो लग गया, आप सिंगल भी रख सकते हो ना, ओनली एक बॉक्स बना लेना, उसमें प्लेन सब लगा सकते हो, प्रोबलियन करके इंसेट करके, और ये लाइन से भी कर सकते हो। ये होने के बाद इसके बाद आप इसमें पूरा बाउंड्री वॉल भी क्रिएट कर सकते हैं, बाउंड्री वॉल आपको किस तरीके से चाहिए तो आप क्रोम पे जा करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं बाउंड्री वॉल, बाउंड्री वॉल आपको 3D ऑब्जेक्ट भी मिल जाएंगे और क्रिएट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके कोई भी ले सकते, जरूरी नहीं ये कि ये रखनी है आपको, जो अच्छी लगे वो बाउंड्री वॉल बना दी, ये वाली बन जाती है। जो आपको सही लगे वो बाउंड्री वॉल यहाँ से ले भी सकते हैं, और बाउंड्री वॉल के आप मॉडल भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मिल जाएंगे सर्च करोगे तो, गेट वगैरह बाउंड्री वॉल वगैरह बनी बनाई मिल जाएगी।
मैं तो यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ। ये तो आइडियाज इमेज ही मिलेगी। अब ऐसे हम बनाएंगे, बस इंपोर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में बना भी देंगे और फिर री स्टार्ट एक्सटीरियर वाला।